पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर तनाव के हालात बन रहे हैं, क्योंकि चमोली में हिंदू संगठन और व्यापारिक संगठन ने खानसर कस्बे में 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक का शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। हिंदू संगठन ने शहर में एक रैली निकाली और बैठ करके प्रस्ताव भी पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि मुस्लिमों के पहाड़ों में बसने से हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और पहाड़ का माहौल खराब हो रहा है। जिन मुसलमानों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है, उसमें से कुछ मुसलमान तो दशकों से चमोली में ही रह रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों को ये देखिए कैसे 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि शहर को छोड़ करके चले जाएं। और ये कुल 15 मुस्लिम परिवार हैं जिन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। हिंदू संगठन ने शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। हिंदुओं ने शहर में चेतावनी रैली भी निकाली है। अल्टीमेटम में हिंदू समुदाय के लोगों ने क्या कहा है, हिंदू संगठनों के लोगों ने क्या कहा है, चलिए वो हम आपको बताते हैं डिटेल में। तो उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है उसमें सीधे सीधे विशेष समुदाय के लोगों को शहर छोड़ने के निर्देश इन हिंदू संगठनों की तरफ से दिए गए हैं, और तारीख क्या है, 31 दिसंबर तक कह दिया गया है कि आप शहर छोड़कर यहां से चले जाइए। इसके अलावा आपको बताते हैं शहर के हिंदू संगठनों ने यह प्रस्ताव जारी किया है जिसमें शहर छोड़कर जाने के लिए कहा गया है विशेष समुदायों को। इसके अलावा घर दुकान किराए पर देने पर भी रोक लगाने की बात हिंदू संगठनों की तरफ से कही गई है। मकान किराए पर दिया तो 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा, ये बात भी जो डिसीजन लिया गया है उसमें कहा गया है। शहर में व्यापार करते और फेरी लगाने पर भी जुर्माना देना पड़ेगा। ये तमाम जो बातें हैं वो हिंदू संगठनों ने एक नतीजे पर आकर तय की हैं और इसको अब सामने रखा है। विशेषकर इनका टारगेट महिलाएं हैं, क्योंकि हमारा चमोली अभी भी महिला तस्करी में नंबर वन पे चल रहा है, तो ज़्यादातर ये जो शांति दूत हैं इन्हीं के साथ ये जाते हैं। तो हमारी इसी बात पे ये रैली थी कि भैया, एक तो हमारा काम हिंदुओं को जगाना था और दूसरे अपने क्षेत्र की जनता को जगाना है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी अभी धर्मी निवास कर रहे हैं, कोई नाम बदल के कर रहा तो कोई खुलेआम रह रहा है, इनसे दूरी बनानी है और इन लोगों को शांतिपूर्वक अपने अपने क्षेत्रों को भेजना है। यही हमारे रैली का विशेष इसमें जो उनकी मांगे हैं, मांगों के तहत उसमें कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। और जो 2013 के विस्थापितों का इन्होंने जो मुद्दा उठाया उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।